तो गाइज आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हंटर एक्स हंटर के एपिसोड 1 को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि अभी बोरूटो खत्म होने को आया है। वो छोड़ो यार, चलो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जो लोग मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं, ट्रेजर फाइंड करते हैं और काले जादू से लड़ते हैं, उन लोगों को हंटर्स कहा जाता है। और अब हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जिसका नाम होता है व्हेल आइलैंड। अब इस व्हेल आइलैंड में एक गॉन नामक बच्चा एक लेक की सबसे बड़ी मछली पकड़ना चाहता है। उसके बाद गांव के लोग उस गॉन की माता से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा एक हफ्ते से लगातार मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। देन वो बात करने लगते हैं कि उसका पापा भी जब इसके एज का था तब उसने भी बहुत बड़ी मछली को पकड़ा था। उसके बाद गॉन लेक में देखता है तो वो पाता है कि लेक में कुछ हलचल हो रही है। देन वो अपनी पूरी जोर लगाता है एंड उस लेक की सबसे बड़ी मच्छी को वो पकड़ लेता है एंड इसे देखकर वो भी बहुत खुश हो जाता है। गांव वाले उस मच्छी के पास देखते हैं तो वो कहते हैं कि क्या ये लेक की सबसे बड़ी मछली है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके पापा ने भी ऐसी मच्छी पकड़ी थी, जैसा बाप वैसा बेटा। उसके बाद गॉन अपनी माँ मीटो के पास आता है एंड वो कहता है कि मैंने अपना प्रॉमिस निभाया है, मैंने उस बड़ी मच्छी को पकड़ा है, अब क्या मुझे आप हंटर एग्जाम देने जाने दोगी। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि मैं अपना बेस्ट दूंगा वहां पे। घर में गॉन की दादी उस गॉन के पापा के बारे में बात कर रही होती है जिसका नाम जिंग होता है। वो कहती है कि उसने भी 12 की उम्र में एक मच्छी पकड़ी थी और इसी एज में उसके बेटे ने भी ये कमाल करके दिखाया है। उसके बाद उसकी दादी मीटो से कहती है कि है मीटो उसको जाने दो, अब हम उसे अभी रोक नहीं सकते। उसके बाद मीटो गॉन को समझाने आती है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें छोड़कर अपना हंटर बनने का सपना चुना, क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है और फिर भी तुम हंटर बनना चाहते हो। देन उसके बाद मीटो उससे कहती है कि तुम नहीं जानते कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जॉब है एंड इसमें तुम अपनी कभी भी लाइफ गंवा सकते हो। उसके बाद गॉन मीटो से कहता है कि ये तो मुझे सब पता है लेकिन मैं अब जानना चाहता हूँ कि मेरे पापा ने मुझे छोड़कर हंटर की जॉब क्यों चुनी। देन उसकी माँ मीटो कहती है कि मुझे पता था कि तुम नहीं मानने वाले। गॉन अपनी माँ मीटो से पिंकी प्रॉमिस करता है कि वो उस हंटर एग्जाम को जरूर पास करेगा। गांव के लोगों को अलविदा कहते हुए गॉन कहता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा हंटर बनूंगा एंड तभी वापस लौटूंगा। तभी वहां पर दूसरे लोग होते हैं जो भी हंटर बनने के लिए आए होते हैं। वो गॉन को कहते हैं कि हंटर बनना इतना आसान काम नहीं है बच्चे। उसके बाद गॉन को शिप का कैप्टन दिखता है। वो देखता है कि ऊपर बहुत सारे पंछी उड़ रहे होते हैं। उसके बाद गॉन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मौसम बिगड़ने वाला है। देन वो शिप का कैप्टन कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो बच्चे। देन गॉन शिप के कैप्टन को कहता है कि वो ऊपर पंछी जो है ना वो भी वही कह रहे हैं। उसके बाद गॉन शिप के टॉप पर जाकर देखता है एंड वहां पर जाकर वो एक गहरी सांस लेता है। वो कहता है कि मैं सूंघ सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला स्टॉर्म आने वाला है। उसके बाद शिप का कैप्टन कहता है कि इस लड़की की आग किससे तुम्हें मिलती है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर स्टॉर्म आता है। हम देखते हैं कि शिप के अंदर के लोग यहाँ हवा गिर रहे होते हैं। शिप का कैप्टन कहता है कि इतने से स्टॉर्म के साथ तुम कैसे डर सकते हो, अब तो मजा शुरू हुआ है एंड अब पारी है उड़ने की। ये कर वो उस जहाज को अपने खतरे से दूर लेकर जाते हैं। एक बंदा उसे आकर कहता है कि हमारे क्रू के सारे लोगों की हालत बहुत खराब है। देन वहां पर कैप्टन उन सबको देखने जाता है एंड वो कैप्टन अपने मन में सोचते हैं कि एक छोटे स्टॉर्म को नहीं झेल पाया और हंटर एग्जाम देने चले थे। उसके बाद वो गॉन को देखते हैं कि वो वहां भी ठीक होता है। देन वो उसे देखकर कहता है कि ये लड़का तो बहुत अच्छा कर रहा है एंड उसके बाद वो और दो लोगों को देखते हैं जो स्टॉर्म से कुछ नहीं हुआ होता। वो अपने मन में सोचते हैं कि मतलब यहाँ पर बहुत सारे टफ लोग भी आए हैं एंड उसके बाद जहाज के कैप्टन उन तीन लोगों को बुलाता है जिनको स्टॉर्म से कुछ नहीं हुआ था एंड देन वो कहते हैं कि तुम्हारे नाम बताओ। देन गॉन कहता है कि मेरा नाम है गॉन एंड उसके बाद जो येलो बाल वाले लड़की होती है वो कहती है कि मेरा नाम है कुरापीका एंड जो ब्लैक सूट वाला बंदा होता है वो कहता है कि मेरा नाम है लियोरियो। उसके बाद शिप का कैप्टन कहता है कि तुम्हें हंटर्स क्यों बनना है। लियोरियो कहता है कि तुम्हें इससे क्या करना। उसके बाद गॉन कहता है कि मेरे डैड एक हंटर है एंड मैंने व्हेल आइलैंड इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे जानना है कि मेरे डैड ने मुझे छोड़कर हंटर की जॉब को चुनना क्यों सही समझा। एंड उसके बाद वो कैप्टन अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा ही था कि ये जीन का बेटा है। उसके बाद लियोरियो कहता है कि है तुमने उसे वो क्यों बताया। देन गॉन कहता है कि क्यों मैं बता नहीं सकता क्या। देन उसके बाद उसे गॉन पूछता है कि तुम क्यों नहीं बताते। देन लियोरियो कहता है कि मुझे बताने की इच्छा नहीं है। उसके बाद कुरापीका कहती है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ ये तुम्हें बताना मैं सही नहीं समझती इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। उसके बाद शिप के कैप्टन कहता है कि मतलब तुम्हें मेरे सवाल का जवाब नहीं देना तो ठीक है मैं तुम्हें इंटर एग्जाम से फेल कर दूंगा। एक बात तुम्हें बता दूं तो हंटर एग्जाम अभी से शुरू हो गई है। देन हमारे कैप्टन साहब डिटेल में समझाते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बंदे आते हैं एक हंटर एग्जामिनेशन देने को और जो एग्जामिनर्स होते हैं वो उन सबको तो चेक नहीं करने वाले ना और इसीलिए वो हम जैसे लोगों को हायर करते हैं एंड हम उनका काम कम करते हैं। कैप्टन कहते हैं कि सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो तुम आगे की मेन एग्जाम तभी दे सकते हो अगर मैं तुम्हें पास करूँ तो जो पूछा है उसका जवाब सीधे सीधे दो। उसके बाद कुरापीका कहती है कि मैं कुर्ता क्लैन की लास्ट सर्वाइवर हूँ। 4 साल पहले मेरे क्लैन को उस क्रिमिनल्स की टोली ने मार दिया। वो कहती है
है कि इसलिए मैं हंटर बनकर उस क्रिमिनल की टोली मतलब फैंटम ट्रूप को हंट करना चाहती हूँ। उसके बाद वो कैप्टन कहता है कि वो हंटर्स बहुत खतरनाक होते हैं, क्या तुम्हें उससे डर नहीं लगता? देन उसके बाद कुरापिका कहती है कि मुझे उनसे डर नहीं लगता साहब, मुझे तो डर गुस्से से लगता है। लियोरियो कहता है कि मतलब तुम्हें सिंपल भाषा में कहे तो तुम्हें एक रिवेंज चाहिए। उसके बाद लियोरियो कहता है कि तुम्हें उनको ही मारना था तो तुम हंटर क्यों बनी। देन उसके बाद कुरापिका कहती है कि मुझे इससे पहले इतना घटिया क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा था। उसके बाद लियोरियो कहता है कि इज्जत से बात करो, घटिया किसको कहा तुमने और मुझे मिस्टर लियोरियो के हो। देन गॉन उन लियोरियो से पूछता है कि तुम क्यों हंटर बनना चाहते थे मिस्टर लियोरियो। देन लियोरियो कहता है कि जवाब सिंपल है, मैं पैसे के लिए हंटर बनना चाहता था, पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता था, मैं एक सोने की गाड़ी खरीद लेता था। उसके बाद कुरापिका कहती है कि पैसों से तुम सब कुछ तो ले लेते लेकिन अकल नहीं ले पाते लियोरियो। उसके बाद लियोरियो कहता है कि अभी बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारा, तुम कुर्ता क्लैन की आखिरी खून हो ना तो मैं तुम्हें भी खत्म कर डालूंगा। उसके बाद कुरापिका कहती है कि लियोरियो मुझसे माफी मांगो। देन लियोरियो कहता है कि मुझे मिस्टर लियोरियो के हो। एंड वो दोनों वहां से चले जाता है। तब गॉन कहता है कि उन दोनों को अकेला छोड़ना पड़ेगा, तभी वो एक दूसरे को समझ पाएंगे, ऐसा मुझे मीतो सान ने कहा था। वो कैप्टन से कहते हैं कि उनके लिए ये समझना जरूरी है कि वो गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तभी शिप का एक बंदा कहता है कि कैप्टन आगे देखिए वो क्या है। उसके बाद वो देखते हैं कि आगे एक बहुत ज्यादा खतरनाक तूफान होता है। देन उसका शिप का कैप्टन कहता है कि अगर हम उसके चपेट में आ गए तो हम डूब जाएंगे। कैप्टन सलाह देते हैं कि ऊपर जो पर्दे लगे हैं उसको नीचे करो। उसके बाद सब वही करने लगते हैं। उसके बाद कुरापिका कहती है कि मुझे माफी मांगो लियोरियो। एंड लियोरियो कहता है कि मुझे मिस्टर लियोरियो कहो। एंड उस तूफान के बीच तभी हम देखते कि शिप पर का एक बंदा कात्सुओ हवा के बहाव से उड़ जाता है और उस कात्सुओ को बचाने के लिए दोनों भी लियोरियो भी और कुरापिका भी मेहनत करते हैं लेकिन वो बचा नहीं पाते। तभी जो हमारा गॉन होता है वो वहां पर जंप मारता है एंड उसे बचाने की ट्राई करता है। एंड हम देखते कि उन तीनों की टीम वर्क से आखिरकार वो कात्सुओ को बचा ही लेते हैं। अब मौसम ठीक हो जाता है। उसके बाद लियोरियो गॉन से कहता है कि तुम अगर पानी में गिर जाते तो तुम्हें मछलियां खा जाती। उसके बाद वो कहता है कि तुम इतने ना समझ कैसे हो सकते हो, तुम मर जाते तो। देन गॉन कहता है कि लेकिन मैं मरा नहीं हूँ, तुम दोनों ने मुझे बचा लिया है। उसके बाद वहां पर कात्सुओ आता है जो गॉन को थैंक्स करता है, साथ ही साथ वो कुरापिका और लियोरियो को भी थैंक्स करता है। एंड उसके बाद लियोरियो कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो कात्सुओ। एंड उसके बाद कुरापिका भी कहती है कि मुझे माफ कर देना मिस्टर लियोरियो। उसके बाद लियोरियो कहता है कि तुम अब तो मुझसे झगड़ रही थी, अब तुम में इतना बदलाव कैसे आ गया और तुमने मुझे डायरेक्ट मिस्टर लियोरियो कैसे कह दिया। लियोरियो कहता है कि मुझे लियोरियो ही कहो और मुझे माफ कर देना, मैंने जो कहा वो बिल्कुल ही ज्यादा गलत था। एंड उसके बाद वहां पर शिप के कैप्टन आता है और वो कहता है कि तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है। देन वो कहता है कि मैं तुम तीनों को उस मेन एग्जाम साइट की तरफ पहुंचाऊंगा क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। और वो वहां से जाने लगता है। देन गॉन उनसे पूछता है कि क्या हम पास हुए। उसके बाद कैप्टन साहब कहता है कि मैंने ये फैसला किया है कि तुम तीनों भी पास हो और आगे की एग्जाम जो है मेन एग्जाम वो तीनों भी तुम दे सकते हो, जिससे वो तीनों भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड इसी के साथ गॉन का हंटर बनने का सफर शुरू हो जाता है। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा एंड टेक केयर, बाय बाय।